हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? दिस इज अफिता जरा जी कोडर ऑफ टुडे। तो बॉस, आज की ये माइक्रोसॉफ्ट वीडियो की माइक्रोसॉफ्ट कोर्स की वीडियो नंबर 11 है, जिसमें मैं आपको कॉलम के बारे में बताऊंगा और कॉलम के साथ वर्किंग कैसे करते हैं, ये सब कुछ आज मैं इस छोटी सी सिंपल सी वीडियो में आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले इसको क्लोज करते हैं, और ये मेरा वही पुराना डॉक्यूमेंट जो कि कंप्यूटर पार्ट्स का था, वही लिखा हुआ है। अगर मैं चाहता हूँ कि इस कॉलम यानी कि इस ए व्यू है, इनको मैं कॉलम्स में डिवाइड करूँ, तो यहाँ पर आपको लेआउट में जाना है, उसके बाद आपको कॉलम में जाना है, और यहाँ पर आपको अगर दो कॉलम में डिवाइड करना है तो यहाँ पर आप दो कॉलम में डिवाइड कर सकते हैं। ये देख सकते हैं, ये दो कॉलम में डिवाइड हो चुका है। अगर मैं इनको तीन कॉलम में डिवाइड करना चाहता हूँ तो ये तीन में हो जाएंगे, ये देख सकते हैं आप, ये तीन कॉलम में हो गए। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि अपनी मर्जी से करूँ, तो यहाँ पर आपको मोर कॉलम पर जाना है, और यहाँ पर आप नंबर ऑफ कॉलम लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं, 6 लिख सकते हैं, ये तमाम चीज़ें लिख कर आप विड्थ लिख सकते हैं, आप स्पेसिंग लिख सकते हैं। स्पेसिंग मतलब ये होता है कि इस कॉलम और इस कॉलम के दरमियान कितनी स्पेस आ रही है, वो स्पेस होगी, उसके बाद विड्थ होगी, उसके बाद ये जो कॉलम है ये हो जाए, उसके बाद सिलेक्टेड टेक्स्ट, तमाम टेक्स्ट मतलब जो जितना भी टेक्स्ट है उस पर अप्लाई करना है, या पूरे डॉक्यूमेंट पर अप्लाई करना है, या सिलेक्टेड टेक्स्ट, तो आप बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड टेक्स्ट पर ही रहने देते हैं। उसके बाद अगर मैं इसको दो डिवाइड और दो कॉलम में ये डिवाइड हो चुका है, अगर मैं चाहता हूँ कि ये जो चौथा है और ये तीसरा है, या ये या सिर्फ ये चौथा है, इसको मैं यहाँ पर लाना चाहता हूँ, तो यहाँ पर मैं जाऊँगा, यहाँ पर क्लिक करूँगा, उसके बाद यहाँ पर ब्रेक करूँगा, ब्रेक पर जाऊँगा, और यहाँ पर कॉलम पर जाऊँगा। तो ये देख सकते हैं, ये चौथा मेरे यहाँ पर पहुँच गया, और ये तीन यहाँ पर पहुँच चुके हैं, और ये दो कॉलम में ही डिवाइड है। तो आई होप अगर आपको ये एडजस्टमेंट अच्छी नहीं लगी, तो फिर आप इसको दोबारा बैक कर लें, और दोबारा बैक करते हुए आप अपने डॉक्यूमेंट को, अपनी चीज़ों को अपने तरीके से एडजस्ट कर लें। तो ये थी एक सिंपल सी वीडियो जिसमें आपने कॉलम के बारे में जाना। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो कॉलम और दूसरी तमाम चीज़ों के बारे में जानने के लिए, तमाम इन्फॉर्मेशन लेने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें कंप्यूटर के बारे में।